हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी के बारे में। तो जो बच्चे अभी अभी क्लास 11th से क्लास 12th में आए, तो उनके लिए एक बात जानना जरूरी है कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है अपनी, ताकि वो एंड टाइम पे जब उनका रिजल्ट, जब उनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँ और उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपको शुरू से स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ की एक चीज़ को याद रखना है कि आपको रिवीजन करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन करना छोड़ देंगे तो आपने जितना अच्छा पढ़ा हो आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि एंड टाइम पे आते आते हमें इतना ज़्यादा मगअप हो जाता है, इतने ज़्यादा चैप्टर्स हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूलने लग जाते हैं। तो इस बात को याद रखें, हर वीक या हो सके तो एक वीक को छोड़कर अगर ज़्यादा कोर्स है, जैसे कि जानते हैं फिजिक्स मैथ्स को भी लेना पड़ता है जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, और पीसीबी वाले बच्चे जिनके पास बायो है, तो आप अपना चाहें तो रिवीजन जो है एक वीक बाद भी कर सकते हैं, पर रिवीजन को कंटिन्यू रखें और नए चैप्टर्स को भी पढ़ते रहें साथ साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जो चैप्टर्स हमारे, तो चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड स्टेट रिमूव हो चुका है, तो सॉलिड स्टेट तो इस बार नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो सॉल्यूशंस है। तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे क्लास 12th के, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड में, वो मेनली 3 चैप्टर से आते हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और साथ में आपके थ्योरी टाइप भी क्वेश्चन आते हैं तीनों चैप्टर से। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको इन 3 चैप्टर से करनी है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर से होते हुए आएगा। तो शुरू से क्या है इसमें, आपको सबसे पहले सॉल्यूशंस अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद जो इसमें जो लॉ है उनको अच्छे से समझना है कि वो लॉज आगे कैसे लगेंगे। और इसमें थोड़ा सा 11th क्लास के टर्म्स आपको यूज़ होंगे, जैसे कि मोरालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप YouTube पे जो है अपने सर्च कर सकते हैं वीडियोस को 11th क्लास की, आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ से आप अपने आपका रिवीजन कर सकते हैं, जिन बच्चों के 11th में कमज़ोर थे। क्या होता है, कई कई बच्चे होते हैं जो 11th में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और वो चाहते हैं कि 12th में इतना अच्छा पढ़ें कि उनके 95 प्लस नंबर आएँ। तो 95 प्लस परसेंटेज लाने के लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, क्योंकि जो क्लास 12th है उसमें इस बात की आपको एक अच्छी चीज़ है कि आपको 11th से लिंक तो है पर इतना ज़्यादा लिंक नहीं मिलेगा। तो अगर आप 11th में इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए तब भी आप 11th के बिना भी क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके 3 चैप्टर में से। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री और उसके बाद जनरल आइसोलेशन। जनरल आइसोलेशन वाला चैप्टर है, 3 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से क्या होता है, इसमें से मेनली जो न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं, इससे जो है रिएक्शन आती है आपकी, एक्चुअली मेटलर्जी का, जो मेटलर्जी होती है, मेटलर्जी एक ब्रांच होती है उसका एक टॉपिक है। मेटलर्जी में हम जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब हम कैसे निकालते हैं, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज में निकलते हैं, सब में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको जो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं और कुछ प्रोसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और बात करें तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके प्रोसेस पर। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये एक पूरे ब्रांच से होते हुए जाएगा। बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की, सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स भी इसमें नहीं है ज़्यादा। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसमें एक दो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पर लेकिन मेनली जो बोर्ड की बात करें तो इसमें से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और मेन चीज़ जो है, अगर आप हेल्प बुक की बात करते हैं कई बच्चे, तो मैं यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें। एनसीईआरटी जब तक अभी कंप्लीट नहीं हो तब तक आप कोई हेल्प बुक ना लें। अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी बुक ले सकते हैं, प्रदीप की बुक ले सकते हैं, बोर्ड्स के लिए प्रदीप की बुक बहुत अच्छी है, और एज वेल एज जो कॉम्पिटेटिव होते हैं उसके लिए भी, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको समझा रखी है हर एक टॉपिक कॉम्पिटेटिव वाइज भी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। पर बिना एनसीईआरटी पढ़े आप कोई बुक नहीं लेंगे। एनसीईआरटी को सबसे पहले आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी की हर एक पेज को लाइन बाई लाइन आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको टीचर तो पढ़ाएंगे ही, उसको तो आपको समझ नहीं है, पर घर आके खुद से एनसीईआरटी को पढ़ें, खुद से समझें। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उस चीज़ को सर्च करें यूट्यूब पर, अब तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पर आपको हर जानकारी मिल जाएगी। पहले बच्चों को दिक्कत होती थी, हर चीज़ टीचर से पूछनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है, आपको यूट्यूब पर ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ उसको सर्च करें। उसके बाद बात करते हैं हम अगले चैप्टर्स की, तो अगले जो चैप्टर्स हैं वो है हमारा पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 11th में आपने एस ब्लॉक पढ़ा, उसके बाद आपने पी ब्लॉक के शुरू के 2 ग्रुप्स पढ़े, तो इस बार आप पी ब्लॉक में जो 12th में बाकी ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें से जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इसमें से कई बार रिएक्शंस भी आ जाती हैं। रिएक्शन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आएंगे, स्ट्रक्चर आते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से याद करने हैं, और जो भी आपको टीचर समझाएंगे उस हिसाब से आपको जैसे से आके पढ़ना है। उसके बारे में बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के लिए आपको क्लास 11th के जो आपके चैप्टर थे,
हाइड्रोकार्बन चैप्टर था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपके आपको पता चलेगा कि कई बच्चों क्या होता है कि कुछ वीक होती है ऑर्गेनिक सेक्शन, जिस वजह से उनको रिएक्शन पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में, इसलिए आपको हार्ड रखते हैं। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ रिएक्शन होती है नेमिंग रिएक्शन मेनली होती है जो आपको याद करनी पड़ती है, आपको धीरे धीरे याद होंगी, पहली बार नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी, पर जैसे जैसे आप कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो उसी तरह आपको पढ़ना है, बार बार चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और ट्राई करना है कि ऑर्गेनिक को आप बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप इस बार से पढ़ के भी छोड़ देंगे तो आप भूल सकते हैं। और सबसे जो ईजिएस्ट चैप्टर जो मुझे लगते हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। तो इन चैप्टर्स को आप सबसे पहले कदम कर दें, क्योंकि ये चैप्टर में आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा और आपको इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये बहुत इजी चैप्टर होते हैं, इसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव में भी। इसमें से तीनों चैप्टर में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। और जो बायो वाले बच्चे उनके लिए बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना काफ़ी मुश्किल नहीं रहेगा और इसमें से दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। मेन चीज़ जो हाईलाइट करने वाली यही है कि आप जो है केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा किसी बुक पे भी ना जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में 100% एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं आता है मेनली केमिस्ट्री में। बाकी मैथ्स के लिए फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्प बुक चाहिए, पर केमिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है बिल्कुल परफेक्ट है। तो उससे पढ़ें और अपने जो चैप्टर है उसको हर संडे रिवाइज करें, कोई भी एक चैप्टर को पिक कर लें, जरूरी नहीं है कोई सारे चैप्टर पढ़ने, कोई भी एक चैप्टर ले लें जो भी आपको अच्छा लगता है उसको रिवाइज करें, और जो आपको जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें आपकी उसमें पकड़ नहीं बन रही है, आपको दिक्कत आ रही है चैप्टर में, अच्छा नहीं लग रहा, तो उस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ें, उसको और अच्छे से समझें, और कोई दिक्कत है टीचर से पूछें। और उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बार बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जो है प्रैक्टिस करें, प्रिपरेशन उनकी याद करें, और एनसीईआरटी से उनका टॉपिक जरूर पढ़ें। कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ रिएक्शन याद कर लेते हैं, आपको सिर्फ याद नहीं करना, रिएक्शन को समझना है कि आखिर हम वो रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, उससे हमारा क्या प्रिपेयर हो रहा है। तो उसमें आपको एनसीईआरटी पे ऊपर जो टॉपिक होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के पढ़ते पढ़ते जो भी आपको अच्छी लाइन लगे, आपको हाईलाइट मिले, उसको शॉर्ट करके अपनी नोट्स में लिख लें, क्योंकि एंड टाइम पे ताकि अपने नोट्स को रिवाइज कर सकें। तो एनसीईआरटी को आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे एंड टाइम पे, तो उसके साथ क्या होगा आपका नोट्स आपने खुद लिखे होंगे तो आपको याद भी रहेंगे और आप अच्छे से उनको रिवाइज भी कर पाएंगे। उसके बाद जो मैकेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर वो रिएक्शन हो कैसे रही है, क्योंकि याद तो आप कर लेंगे पर जब कॉम्पिटिटिव की बात आती है उसमें मैकेनिज्म आपका आना जो है बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब जो मैंने आपको जैसे बताया कि जो ईजीएस्ट चैप्टर है उनको जल्दी से खत्म कर, जैसे बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये सबसे ईजी चैप्टर हैं, इनको जल्दी से पूरा कर लें। और जो मेडिकल्स जो है वो मैंने वो बताया, जो तीनों के शुरू के जो तीन चैप्टर्स हैं आपके उससे आएंगे। तो आई होप आपको इसका पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया हो कैसे तैयारी करनी है, और कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू।